बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद, मैं हूँ हैदर हयात खान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बजट पेश कर दिया, लेकिन इंटरेस्टिंगली बजट से पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया वो बड़ा अलार्मिंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट में मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बजट सेशन में बैठने से इनकार किया। बाद हज़ां मुस्लिम लीग नवाज़ का एक वफद गया इसहाक डार साहब की सरबराही में, उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की। फिर वहाँ से कुछ दो तीन लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनको अलामती तौर पर इजलास में शिरकत के लिए भेजा गया, वो लोग आए। लेकिन पीपल्स पार्टी के कैंप से अभी भी यही खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो अग्रीमेंट किया उनके साथ, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले जो मामला तय हुए थे उन पर अमल नहीं किया। और इस बजट की जिस वक्त बजट बनाया जा रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मामला तय नहीं किए गए, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज है। अब यह मामला कितना संगीन है, तहफ़ुज़ात क्या हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और क्या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात हैं या दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो दीगर पार्टीज कोलिशन में शामिल हैं वो भी उनके भी तहफ़ुज़ात हैं, क्योंकि हम एमक्यूएम की लीडरशिप की तरफ से भी जो कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं वो भी कोई मुस्लिम लीग नवाज के लिए खासी अच्छी नहीं है। तो बेसिक तहफ़ुज़ात क्या हैं, क्या तय हो सकती है, वफाक के एंड पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या डिमांड्स हैं मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत से, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर हैं, मौजूदा रुकन कौमी असम्बली के नवाब जरा इफ्तिखार साहब। नवाब जरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी जी, अल्लाह का करम, सब ठीक जी। नवदर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा क्या बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात हैं, इतना सीरियसली रिएक्ट कर दिया बजट डे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? देखिए, इसमें मसला ये था कि हमारा जब स्टार्ट में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तो उस वक्त हमारा इनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट था और उन चीजों पर हम चाहते थे कि इम्प्लीमेंट हो, और प्री बजट जो है ना हमारे साथ बैठ के ये तजवीज जो है इनकी भी हम सुनते, हमारी भी ये सुनते, फिर जो बेहतर होता उसके मुताबिक अमल किया जाता। मगर हमें हमारे उसे एतमाद को ठेस पहुंची कि जब हमें उसमें नहीं लिया गया प्री बजट पे एतमाद में, और उसके बाद जो पोस्ट बजट था उसके ऊपर हमें कहा गया कि जनाब आप इस पे बैठ के बातचीत कर लें सारा, तो ये चीजें जो है इससे जरा कॉन्फिडेंस वो हुआ, शेक हुआ जी। दूसरा ये था कि हम हमारे मुतालबात जो थे वो बजट के अलावा भी जो हमारा एग्रीमेंट था उसके तहत थे कि हमने पंजाब के अंदर स्पेस मांगी थी कि हम चाह रहे थे कि वहां पर हमारे जो डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम है चारों सूबों में जो मेजर इन्होंने वो डेवलपमेंट्स के रखने हैं बड़े प्रोजेक्ट्स, तो उसमें पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया जाता, मगर ये एग्रीमेंट का हिस्सा था, मगर ऐसा नहीं किया गया। उससे हमें थोड़ा सा वो हुआ जिस पर हमने रिएक्ट किया, और हम काफी दिनों से हमारी कोशिश थी कि हम इनके नोटिस में लाएं और ये करें। बिल आखिर जब चेयरमैन साहब ने इजलास बुलाया अपना तमाम एमएनएस और उसमें सेनेटर्स थे, तो उसमें तमाम की राय ये थी कि हमें इनके साथ बैठ के खुल के बात करनी चाहिए कि रिटर्न एग्रीमेंट है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा सारा, और ये नहीं कि 100% अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ चीजों पर अमल दरामद हुआ भी और कुछ चीजें थी जो जिन पर अमल दरामद ना हो सका, उसमें कुछ चीजें प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे थी, कुछ सीएम के लेवल पे थी चीजें, तो इन चीजों पे होना था। और उसके बाद फिर कुछ हमने जब इसहाक डार साहब तशरीफ लाए और इनका डेलीगेशन आया एजाज सादिक साहब और ये सब दोस्त, तो चेयरमैन साहब ने फिर उसमें फौरी तौर पर थोड़ी सी तब्दीली की कि हमने टोकन अपने चार वो भेजे अंदर जिन्होंने वो बजट स्पीच के दौरान वो वहां पे मौजूद रहे, और बाकी हमने कहा कि देखिए कि जब 100% आप अमल कर लेते हैं तो वो इसहाक डार साहब ने कहा कि जी हम हमारी कोशिश होगी कि अगले दो चार दिनों में हम जो बाकी चीजें रह गई हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले अर्ज की
कि कुछ पीएम लेवल की थी, कुछ सीएम साहब के लेवल की थी बातें, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा कि इसे हम जो है ना वो रिजोल्व कर लेंगे, और मेरा ख्याल यही है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ दिनों में ये सारे मसले सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा नौजर साहब, आप चूंकि साउथ पंजाब से हैं और पंजाब में तो एक बड़ा मुतालबा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बहाली का था, उसको भी प्रॉपर फंड्स दिए जाएं, और उसमें अली हैदर गिलानी साहब की मैं कल स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पंजाब के लेवल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी तहफ़ुज़ात दूर किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, लेकिन स्टिल अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी मामला तय पाना बाकी हैं। वफाक के लेवल पर आप समझते हैं कि चीज़ें इतनी कंफर्टेबल हैं कि कोई ज़्यादा तलखी नहीं होगी और आराम से मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला पर जो है वो उनको अंडरस्टैंड करेगी और उनके ऊपर मरोन अमल भी करेगी? ये देखिए, मैं नहीं समझता कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अगर सीएम साहबा होती, कोई ब्यूरोक्रेट होती तो फिर तो एक समझ आती थी बात। सीएम साहबा भी पॉलिटिशियन हैं और वो भी इन मसले को समझेंगी, और पीएम साहब भी। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें जब गुफ्तगू इनके ऊपर होगी तो उसका जो हमारा एग्रीमेंट का रिटर्न उसके मुताबिक अमल दरामद होगा और इंशाल्लाह ताला तमाम जो है ना मसले बैठ के हल हो जाएंगे। अच्छा नौदर साहब, ये भी बताइएगा, एक बड़े लंबे अरसे से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद काबीना में शामिल होगी, पंजाब में भी और वफाक में भी, और अब गुज़श्ता कुछ दिनों से तो यहाँ तक बातें हो रही हैं कि 10 से 12 फेडरल मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफर की जाएंगी। आपकी भी अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई जनूबी पंजाब के एक वफद के हमरा, फिर शहबाज शरीफ साहब भी प्रेसिडेंट साहब से मिले, और ये भी खबरें हैं कि उस मुलाकात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत के हवाले से डिस्कशन हुई है। तो आपकी जो पार्लियामानी मीटिंग्स हो रही हैं, क्या उसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है? नहीं देखिए, ये हमारी जो पहले दिन से इनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि हम इन्हें इनके बजट को और बाकी मामलात को जो आवाम की बेहतरी के लिए होंगे उन तमाम में हम बाइट बैठ के इनकी सपोर्ट करेंगे, हम तमाम मसलों में इनके साथ होंगे, मगर हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे ताकि शहबाज शरीफ साहब को पूरा फ्री हैंड हो, वो अपनी टीम के साथ अपना जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक चलें और वो मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी उनकी सोच है, जो भी पीएमएलएन का अपना वो है उसके मुताबिक वो करें और लोगों को रिलीफ दें। हमारा पहले दिन से यही था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ना अब हमारी ये सोच है कि हम किस स्टेज पे जाकर काबीना का हिस्सा बने। ये सारा हमारी फुल सपोर्ट पीएम साहब और सीएम साहब के साथ है और हम काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। अच्छा नौजर साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न्स हैं इस बजट में वो सिर्फ अपने हलकों में तरक्याती बजट्स के हवाले से हैं, तरक्याती स्कीमों के हवाले से हैं, या उससे हटकर अवाम के लिए भी हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बजट में जो टारगेट्स रखे गए हैं बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और अनअचीवेबल टारगेट्स हैं, और अगर उनको अचीव करने फिर तो अवाम की हड्डियां जो है उनको ही तोड़ मरोड़ के अंदर से कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुंजाइश तो लोगों के पास नहीं है कि अब वो मौजूदा मौशी हालात के तनाजुर में इतने टैक्स पे कर सकें और इस तरह मामलात को चला सकें। तो इन मामलात के ऊपर भी पीपल्स पार्टी के फर्म स्टैंड लेगी कि इतने टैक्सेस ना लगाए जाएं, हालात को देखा जाए, इन्फ्लेशन को देखा जाए, अवाम की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, कोई जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाए? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। गुजारिश है कि हमने इसी बात पे हमारा वो था, उनके साथ थोड़ा जो इख्तलाफ हुआ वो यही था कि हम चाहते थे कि प्री बजट हम बैठते, हम इन्हें अपनी तजावीज देते, हमने इन्हें कुछ बातें पहले की, कुछ हम चाह रहे थे कि उसके अंदर हम ये करते कि खास तौर पर जो अपना मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला है, पेंशन का मसला है। आपको याद होगा 2008 में पाकिस्तान हम भी गए थे इसमें आईएमएफ के पास जाने के बावजूद हमने अवाम के साथ अपना वो नहीं छोड़ा, थोड़ा सा रिश्ता कि हमने मुलाजमीन की तनख्वाहें 150% बढ़ाई, 100% पेंशन की अपना पेंशन बढ़ाई, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, सारा कुछ दिया अवाम को रिलीफ देने के लिए। इसी किस्म की चीजें हम चाहते थे कि प्री बजट अगर ये हमारे साथ बैठते तो हम ये सारे इन्हें मशवरे देते और ये हमें कन्विंस करते हम इनके
इनकी बातों से कन्विंस होते हैं और बैठ के कोई बेहतर सूरत हाल निकाल सकते। अब जब बात आ रही है कि जी उस बजट पे बैठ के बातें करनी है उसके ऊपर, तो उस पर भी हमारी कोशिश ये है कि हम इनके साथ बैठ के जो हमारे से मैक्सिमम हो सकता है आवाम को करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, हम कोशिश करेंगे कट मोशंस भी लाएं बाकी भी सारा असेंबली के अंदर भी, ताकि जो हमारे से हो सकता है हम अपना जो है पीपल्स पार्टी, अपना जो सबका है आवाम के साथ एक ताल्लुक रिश्ते वाला पीपल्स पार्टी का, उसे हम कायम रखेंगे। अच्छा नवजर साहब, आपकी चूंकि बिलावल भुट्टो साहब से भी काफी आपकी मुलाकातें हो रही हैं, आपकी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में भी, सेशंस में भी, बिलावल साहब थोड़े से खुश नहीं लग रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी से, उसकी क्या वजह है? वो बड़े मतलब समहाउ रूठे रूठे से लग रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी से कोई खास से खुश नजर नहीं आ रहे वो। नहीं, बिलावल साहब तो इतना वो नहीं है कि भाई वो बिल्कुल ही नाराज हैं या वो इनसे रूठे हुए हैं, मगर सिर्फ वो ये चाहते हैं कि जो हमारा इनके साथ जो एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद हो ताकि मुल्क की बेहतरी हो। हम ये चाह रहे थे कि जो बलोचिस्तान के अंदर, के सिंध के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर जो तबाही पिछली दफा क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई, जो वहां पर हुआ, जो उनके डेवलपमेंट फंड्स थे वो सूबों में इन्होंने कट किए, उसके ऊपर हमने हमारे तहफ़ुज़ात थे कि वो फंड कट न किए जाएं, उस पर काम हो रहा था 21 लाख घर, बहुत बड़ा जो इस वक्त उन्हें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सिंध के अंदर काम कर रहा था, बलूचिस्तान के अंदर वो 8 लाख से ज्यादा घर बन चुके थे, बाकी फिर जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई उन्होंने सब रोक दिया, फिर इन्होंने जो अब फंडिंग की उसमें कुछ कट लगाए। हम वो चाह रहे थे कि वो कट न लगाए जाए, लोग आज भी गर्मी है, सर्दी है, बारिश, अब जो वेदर फोरकास्ट आ रहा है क्लाइमेट का वो आप देखें कि वो पिछले से भी ज्यादा खतरनाक आ रहा है, स्पेल जो आ रहा है, तो उसमें हमें लोगों को रिलीफ देने के लिए हम इन्हीं चीजों पे हमारे कुछ तहफुजात हैं, और चेयरमैन साहब भी बार बार उन्हें इसी चीज की तरफ कर रहे हैं। फिर हमने सिंध के अंदर जिस तरह हमने सोलर पैनल का कर रहे हैं कि 300 यूनिट तक हम वो करें, हम वहाँ पे किसान कार्ड है, मजदूर कार्ड है, बाकी है बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए ज्यादा वो, तो ये सारी चीजें थी जो हम इनके साथ डिस्कस करके चाहते हैं कि ये बाकी भी मुल्क के अंदर इन चीजों को राइज करें, ताकि लोगों को महंगाई अगर इंटरनेशनल लेवल पे है वो सारा एक मसला, वो आईएमएफ का प्रेशर भी सारा, मगर दूसरी तरफ हम रिलीफ देने की तरफ जाए लोगों को, एक तरफ उस प्रेशर को हमें फेस करना है तो दूसरी तरफ हमें लोगों को रिलीफ भी देना है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा वो है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन बातों को समझेगी, और हमारी जो अब एक जो नशिस्तें हुई हैं, एक कल हुई है, एक परसों हुई है गवर्नमेंट के साथ, और उसमें खासा पॉजिटिव रहा है मसला। यानी वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं कुर्बानी से पहले कुर्बानी, और अब आजकल कह रहे हैं कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी, तो फिर कुर्बानी के बाद फिर अच्छी अच्छी खबरें ही होंगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंप से। देखिए शेख साहब का अपना एक स्टाइल है, वो कभी झाड़ू फेरते हैं, कभी कुर्बानी है, कभी बातें करते हैं, कभी पता नहीं किस किस का, और फिर आप उनका देखें जिस तरह झाड़ू फेरे और कुर्बानी हुई है, तो बहरहाल उनकी तो किसी बात को नहीं किया जा सकता, तो इस किस्म की फनी बातें करते रहते हैं बहरहाल। अच्छा नवजर साहब, कुछ थोड़ी सी सियासत पर भी डिस्कशन कर ले, इकोनॉमी को काफी डिस्कस किया है। आप समझते हैं कि अभी जहां तक हम पॉलिटिकली पहुंच गए हैं, अब थोड़ी सी जरूरत है कि गवर्नमेंट भी सीरियसली कंसिडर करे मुजाकरात को, कोई कमेटी को फॉर्म कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुजाकरात के लिए, और कुछ थोड़ी सी टेबल टॉक का आगाज कम से कम हो जाए? तलखियां बहुत बढ़ती नजर आ रही हैं सर। ये देखिए मुजाकरात बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने हमेशा बिलीव कर दिया मुजाकरात पर, और एक डेमोक्रेटिक जेन रखने वाला आदमी कभी भी मुजाकरात से बैकअप नहीं कर सकता कि तमाम मसाइल आप जंगें लड़ रहे हो, आप जितने बड़े उसमें जा रहे हो, हल मुजाकरात से ही होना है, इन द एंड आपको मुजाकरात के जरिए सारे मसले बैठ के हल करने हैं, और ये बात अल्लाह करे कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप समझ जाए
कि मुजाकरात के जरिए सब होने, जब वो कहेंगे जी ताकत, हम कहते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम है, वो कहते हैं ताकत का सरचश्मा कोई और है, हम उससे बात करेंगे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो आज भी उनकी सोच वही ठहरी है कि जिस तरह वो उनका जहन में है कि हम 18 में जिनकी मार्फत आए, अब भी हम उन्हीं से बात करके दोबारा आने, अब भी वो अगर वो सोच से निकल आते हैं बाहर, और अब जो नई डेवलपमेंट उनकी आ रही है, जो न्यूज आ रही है वो यही है कि अब वो तैयार हो रहे हैं मेंटली कि जी हम निकलने को तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार, तो हम वेलकम करते हैं। हम तो हमारा तो पहले दिन, और जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अपना पहला खिताब किया असेंबली में, तो उन्होंने यही बात की, उन्होंने कहा कि जिद छोड़े, हर जमात एक एक स्टेप पीछे हटे और मुल्क को आगे ले जाने के लेकर चलने के लिए आपस में बैठ के मुजाकरात करें और इसका हल निकालें। और तमाम हल जरदारी साहब ने कहा कि इसी पार्लियामेंट से निकलने हैं, और इसी पार्लियामेंट ने तमाम के लिए रास्ता स्पेस देना है, पॉलिटिक्स के लिए भी और बाकी सारा, ताकि हर जमात हर लीडर अपने आप को इसके अंदर वो करे और सबको स्पेस मिले। तो अब अगर दो चार दिन से जो न्यूज आ रही है कि पीटीआई तैयार है, तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का तो पहले भी ऑफर है और नून लीग की तरफ से भी मेरा ख्याल है वो भी वेलकम करेंगे, तो कोई भी गुफ्तगू की आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।